दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ प्लांट के बारे में बताऊंगा कि प्लांट को ग्रो कैसे किया जाता है और किस टाइम पर। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहें, फुल जानकारी का आपको पता चल जाएगा। इसमें ये देख लीजिए कितने सारे प्लांट हैं और सब प्लांट ये ज़मीन में ही लगे हुए हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, ये प्लांट डायलेना प्लांट है, इसको डायलेना कहते हैं। और ये इसकी पत्तियां जो हैं वाइट कलर की और ग्रीन कलर की होती हैं। ये देख लीजिए काफ़ी तरह के इसमें प्लांट हैं। और ये प्लांट को आपको ग्रो कैसे करना है, तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करें इस प्लांट को, तो आप लगाएं या गमले में या किसी पॉलीथीन में, तो उसको ऐसे ही लगा देना है प्लांट को पहले। और क्या करना है कि उस प्लांट को आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी जो जड़ें काफ़ी जगह में फैल जाती हैं, उसका जो गुच्छा सा होता है गुच्छा हो जाता है काफ़ी चौड़ा, इसका मेढ़ा हो जाता है और उस मेढ़े में कई सारे 20-25 प्लांट निकलते हैं और इसको खिलकर लगा दिए जाते हैं। और जब आप लगाएं उसको तो आप एक काम करें कि आप थैली में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ग्रो होता है क्योंकि उसे पानी भी कम मिलता है और जो उसके नसों का ज़ोर होता है वो प्लांट के ऊपर को ही चलता है, और ज़मीन में लगा देंगे आप तो नीचे को ही चलता है। ये कम पानी चाहता है प्लांट, ये ज़्यादा पानी का नहीं है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप प्लांट को शो के लिए लगाएं तो आप इसे पॉलीथीन में लगाएं, और जो आप ग्रो करना चाहते हैं ज़्यादा प्लांट लेना चाहते हैं उससे तो आप उसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, पर आप गमले में या पॉलीथीन में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्लांट की ग्रो भी अच्छी होएगी। क्योंकि ज़्यादा नीचे को चलता है तो ये यहाँ से इसके प्लांट कम निकलते हैं और 2 से 4 महीने बाद आपको ये प्लांट देता रहेगा। ज़्यादा आप इसकी केयर करेंगे तो केयर के ऊपर बात है, आपकी प्लांट निकलते रहेंगे इसमें से। तो दोस्तों आप इसे क्या काम करें कि इसकी जड़ों में आपको इसकी यहाँ से खोद खोद के और DAP के दाने रख देने हैं और मिला देना है, क्योंकि इसे आप यूरिया देते हैं तो यूरिया ज़्यादा गुण नहीं देता है और DAP तो है इसको बहुत ज़्यादा गुण देती है। तो सब प्लांटों में हमने क्या किया था, इनको नला के अच्छी तरह से इनकी घास वास निकाल के और प्लांट में को DAP लगा दी थी, ताकि DAP तो है इसको बहुत ही अच्छी रहती है। इन प्लांट की जड़ों में DAP लगा दी जाती है तो प्लांट अच्छा ग्रो करने लगता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें आप कि पहले आप इसमें DAP डाल दें प्लांटों में और इसको फिर इसकी खोद निकाल दें, तभी अच्छा हो पाएगा। तो नर्सरी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बता दें आप कुछ आपको पूछना है तो।